मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है क्या? जर्व करना, जैसे कि हमने पिछले जमात में भी जर्व किए थे, किए थे ना आपने भी, ठीक है। तो अब हम इसको प्रोसेस सीखेंगे, उसके बाद हम इसको आगे लाएंगे। तो सबसे पहले जर्व करना है क्या? मल्टीप्लाई करना है क्या प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाई करना, जर्व करना, यानी जर्व कहते हैं प्यारे बच्चों, बार बार की हुई जमा को हम क्या कहेंगे? जर्व कहेंगे। बार बार की हुई जमा को हम जर्व कहते हैं। जैसे कि हमने आए, पांच बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? पांच बच्चे हैं। पांच बच्चों को हमने दो दो चॉकलेट बांटे, पांचों बच्चों को हमने कितने चॉकलेट दिए? दो दो चॉकलेट दिए। अब अगर हमने आपसे पूछे कि काउंट करो कितने हो गए टोटल चॉकलेट, तो आप हम कैसे काउंट करेंगे? ये एक बच्चा है, दो, तीन, चार और पाँच, पांच बच्चे हो गए। हर बच्चे को कितने चॉकलेट दिए हमने? दो। फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और दस, है ना। तो हमने क्या किया? बार बार ये सब जमा करते गए, ठीक है। मगर जर्व का जो अमल है प्यारे बच्चों, ये बार बार जो जमा होती है इसको आसानी से करता है। अब वो कैसे? तो टेबल की मदद से, यानी टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट एंड टू फाइव ज़ा टेन। तो जब ये फाइव बच्चे हमको मालूम है और हर बच्चे को कितने चॉकलेट दिए हमने? टू दिए हैं। बच्चे कितने थे हमारे पास? फाइव, और चॉकलेट कितने दिए हमने? टू। फाइव टू ज़ा टेन, कितने चॉकलेट हो गए? टेन चॉकलेट्स हो गए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये है मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम सबसे पहले जो प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 14। तो चलिए प्यारे बच्चे शुरू करते हैं। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, मल्टीप्लाई का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 327 मल्टीप्लाई बाय 92। देखिए यहां पे 327 मल्टीप्लाई बाय 92, ओके। देखिए पहले बच्चों, इससे पहले जो जर्व का अमल हुआ था, या आपने साबिका जमात में जो आपने जर्व का अमल किए, मल्टीप्लाई का अमल किए, वो थोड़ा कम एदाद का होगा, यानी सिंगल होगा, या फिर बिना हासिल वाला होगा, यानी बिना कैरी वाला होगा। अब यहाँ पर जो है वो हम कैरी भी करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 100 तक के नंबर से मल्टीप्लाई करने के, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो यूनिट ना होकर टेंस के नंबर है। देखिए यूनिट यानी वन एंड टेंस, यानी 92। इससे पहले की जो मल्टीप्लाई थी आपकी वो सिंगल होगी, अब जो है हमको टेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो नंबर है, ये जो डिजिट्स है, वो यहाँ पर ले लेंगे। ये आ गया 3, 2 एंड 7, इसके बाद ये हमारा मल्टीप्लाई बाय 92। आप देखिए 92 का टेबल तो हमें बाय 8 नहीं है, 92 का टेबल आपको याद है? नहीं याद है ना। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए यहां से ये, यहां पर सबसे पहले ये डिजिट लेंगे आप 327 मल्टीप्लाई बाय, ये टू अब हम यहां लेंगे। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन से यानी यूनिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 7 14, तो 14 की कितने लिखेंगे हम यहाँ पे? 4 इज राइट हियर एंड 1 इज कैरी। 2 2 4, 4 प्लस 1 5 एंड 2 3 6, ओके। अब देखिए ये जो हमको आंसर मिला है यहाँ पे
54, तो ये यहां पर लिख लेंगे हम 654, ओके। अब बचा कौन, 9, तो अब हम यहां से इसको सिलेंगे 327 मल्टीप्लाई बाय 9, ओके। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 9 7 जा, अब 9 का टेबल आपको याद होना चाहिए, जिसको कहां तक रीड करना है, हमको 7 तक रीड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू कीजिए काउंट करना, 9 1 से आपको 9 7 तक काउंट करना है, 9 7 63, वेरी गुड। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 6 को क्या करेंगे, हाँ कैरी करेंगे। उसके बाद 9 2 क्या हो जाता है, 18 प्लस कैरी 6 कितना हो जाएगा, 19 20 21 22 23 and 24। तो यहां पर 24 क्या हम लिखेंगे, 4, और यहां 2 क्या करेंगे, हम कैरी करेंगे। 9 3 9 1 9 9 2 18 9 3 27 प्लस कैरी 2 28 and 29, सो राइट हियर 29। आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, देखिए यूनिट का भी आंसर आ गया हमारे पास, टेंस का भी आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको हमने यूनिट के आंसर को तो हमने यहाँ पर लिख लिए, अब हमको किसका आंसर लिखना है, यहाँ पे टेंस का भी आंसर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले ये जो यूनिट का आंसर हमारे पास आया हुआ है, तो यहाँ यूनिट के नीचे हम लगाएंगे 0, ओके। अब इसके आगे आपको ये नंबर लिखना है, देखिए 3। देखिए पहले बच्चों, जब भी आप ये नंबर लिखेंगे यहाँ पर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि नंबर के नीचे बराबर से नंबर आने चाहिए, डिजिट्स के नीचे ही आपको डिजिट्स को लेना है। जैसे यहाँ आपने 3 लिए, आपको ने 4, उसके बाद 9 एंड 2, अब क्या करेंगे हम इसको प्लस करेंगे यानी एडिशन करेंगे। चलिए 4 + 0 = 4, यहां पर हमने 4 लिख दिए। 5 + 3 = 8, 6 + 4 = 10, तो 10 लिख दें यहां पे, नहीं क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे हम, कैरी करेंगे। 9 + 1 = 10, अब वापस से यहां कौन आएगा, 0 आएगा और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। फिर 2 + 1 = 3, सो आवर आंसर इज 1, 10, 100, 1000 and 10,000, 30,084। तो प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा जो बताया हुआ तरीका है उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसे राइट डाउन करना है। तो चलिए शुरू कीजिए जल्दी।